और इधर झारखंड की राजधानी रांची में दशमी के दिन महिलाएं सिंदूर की होली खेलती नजर आईं। जी आपको बता दें कि इनका मानना है कि सिंदूर लगाकर एक दूसरे को माँ दुर्गा की आशीर्वाद, माँ शक्ति की आशीर्वाद के रूप में सिंदूर दिया जाता है इन्हें। इन्हें लगता है, इनका मानना है कि इससे उनकी सुहाग की रक्षा होती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर सिंदूर की होली खेली जा रही है। हालांकि ये ज़्यादातर देखा जाता है कि कोलकाता बंगाल में ये परंपरा रही है कि विजयदशमी के दिन जो सुहागिन औरतें होती हैं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वो सिंदूर की होली खेलती हैं। और उनका मानना होता है कि ये माँ शक्ति, माँ दुर्गा का ये वरदान होता है, ये आशीर्वाद होता है सिंदूर के रूप में, जिसके होली खेलने से उनकी सुहाग की रक्षा होती है। तो ये तस्वीरें हम आपको डायरेक्ट रांची से दिखा रहे हैं, जहां पर ये सिंदूर की होली खेली जा रही है। हम लोग सुहाग का प्रतीक मानते हैं, हजारों सुहागिन का, दुर्गा जी का सुहाग का प्रतीक है, वही सिंदूर हम लोग साल भर लगाते हैं। इसीलिए आज सिंदूर हम लोग के लिए बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। सिंदूर के लिए का बहुत बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है सुहागिन के लिए, और बस वही साल भर हम लोग ये सिंदूर रखते हैं, और आगे से आगे जितने लोगों को लगा सके सबके लगाते हैं, ताकि उनका भी सुहाग और हमारा सुहाग सब आगे बढ़ता रहे।